गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टार्ट आवर चैप्टर विच इज़ चैप्टर वन. ओके, एंड टुडे आई विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.1. ओके, देखिए बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें आपका मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया था और इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे कि आपको ये खुद से करने हैं क्योंकि ये सेम पैटर्न पे बेस्ड था. ठीक है, देखिए 4, 5, 6 मैंने आपको ये खुद से करने के लिए दिया था क्वेश्चन. आई होप कि ये बच्चों आपने किया होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सेम पैटर्न पे बेस्ड पहले बता दी थी चीज़ें कि कैसे आपको करनी है. ओके, और ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो अपनी बुक लेके बैठिए, अपनी कॉपी लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए. जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उन्हें अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए. ठीक है, तो आज हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा जो डिफरेंट टाइप का हो. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. आप इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस. हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है. लार्जेस्ट नंबर आप जानते हो एच सी एफ होता है. ठीक है, और जो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 245 और 1029 को डिवाइड करता है और उससे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा हर केस में. ठीक है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे है. ये देखिए पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए आप. क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे, इट इज़ गिवन दैट रिक्वायर्ड नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 द रिमाइंडर इज़ 5 इन ईच केस. ये हमें गिवन है. ठीक है, अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या हैं, आपको कैसे ये चीज़ें करनी है. अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जिसमें आपको हर केस में रिमाइंडर कुछ मिलता है, ठीक है, कोई नंबर दे देगा आपको, तो आप क्या करोगे बच्चों, जो दो नंबर्स ये हैं सबसे पहले उनमें से जो रिमाइंडर है उनको माइनस करोगे. ये देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ किया हुआ है. ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं आप ये भी देखिए. ये हम करते हैं ताकि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर, कि जो भी हमें नंबर अब मिले उससे ये दोनों नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएं. क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पास नंबर था, आप ये देख सकते हो कि ये किसी भी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था. तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो देखिए ये इसमें हम आगे क्या करेंगे, आप देखिए 240 और 1024 है आपका. अब हमें जो मिला है इसमें स्टेप आपको समझने हैं कि किस तरीके से हैं, बस एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हैं इसमें, अदरवाइज़ सारी चीज़ें प्रीवियस की तरह हैं जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है. अगर ये नंबर आपके डिवाइड होते भी हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया बाई मिस्टेक आपको कि ये डिविजिबल नहीं है, बट ये डिविजिबल है, 7 से यहाँ दिख रहा है. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उनमें से आपको रिमाइंडर माइनस करना है, देन जो नंबर आपको मिलेगा उनको बेस लेकर के आपको आगे के प्रोसेस कंप्लीट करने हैं. ठीक है, देखिए सिंस इट इज़ गिवन दैट रिक्वायर्ड नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ये तो हमें दिया हुआ है, देयरफॉर इट इज़ द एच सी एफ ऑफ. ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर है तो आप समझ रहे हो एच सी एफ ही हमें लेना है. ठीक है, और किसका लेना है, 240 और 1024 का हमें अब एच सी एफ देखना है. ओके, नाउ फाइंडिंग एच सी एफ बाय, हमें जानते हो आप कि हमारे पास एक ही प्रोसीजर है, यूक्लिड लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका यूज़ करेंगे आप. तो क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करते हो बच्चों, ए और बी लेट करते हो. अब हम यहाँ देखिए अपने पुराने प्रोसीजर पे आ रहे हैं जैसे हम पहले करते थे. ए आपका हमेशा छोटा नंबर होता है, बी बड़ा नंबर होता है, क्योंकि ए यहाँ डिवाइडेड होता है, बी डिवाइज़र होता है. ठीक है, तो ए क्या लोगे, 240, बी यहाँ पे आप लोगे 1024. तो आप क्या देख सकते हो, बी आपका ए से बड़ा है. यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है, तो 240 में से 1024 को डिवाइड करो तो बच्चों ये 4 टाइम्स में जाएगा.
क्या मिलेगा आपको 960। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 64। तो अब क्या करोगे, देखिए यूक्लिड लेमा का यूज़ करोगे तो क्या करते हो, यूज़ करके इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ होता है b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वन, तो b क्या है 1024 इज़ इक्वल टू a क्या है 240, क्यू वन क्या है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है 4 है, प्लस आर वन क्या है देखिए 64 है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू होता है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो आप क्या करोगे, फर्दर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे, ये देखिए हियर रिमाइंडर 64 नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड लेमा। ठीक है, चाहे आप लेमा लिखो चाहे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लिखो। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे 64। अब बच्चों देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न आप लोग को होगी, बट आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसको बेटर तरीके से समझिए कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 64 है और आपका ए क्या है मतलब डिवाइडेंट है 240। ठीक है, तो देखिए जो पहले वाले प्रोसीजर में आपका रिमाइंडर है, इस प्रोसीजर में ये जो आपका पहले वाला रिमाइंडर था 64 वो इसके लिए बन जाएगा डिवाइडेंट। ठीक है, और जो पहले आपका डिवाइडेंट था ये था आपका, वो बन जाएगा 240 था, वो बन जाएगा इस प्रोसीजर के लिए डिवाइज़र। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, कंफ्यूज़ मत होइएगा इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत कर दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे फिर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। ये जो 64 है ये पहले वाले स्टेप में हमें रिमाइंडर मिला है जो इस स्टेप का डिवाइडेंट है। ठीक है, डिवाइडेंट मीन्स जिस चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है। 240 जो है पहले वाले स्टेप में हमारा डिवाइडेंट था जो इस स्टेप में डिवाइज़र है। ओके, मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या है, 64 से हम जब डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 192 मिलेगा। जब आप इसको माइनस करोगे बच्चों तो मिलेगा आपको 48। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो R2 मतलब R2 मिला है ना, ये पहले वाला R1 था, क्या है ये 48 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, 48 0 के बराबर आपका नहीं है। तो अभी आप क्या समझिए इससे कि हमें इस प्रोसीजर को अगेन कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको आप यूक्लिड फॉर्म में लिखिए, बी इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। तो ये देखिए अब यहाँ से बी क्या है 240 लिख दिया यहाँ पे, ए क्या है 64, क्यू क्या है मतलब यहाँ Q2 ये है आपका 3, R2 क्या है 48। ओके, ये आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे हम, वी कंसीडर न्यू डिवाइज़र। देखिए बच्चों ये मैंने इस स्टेप में लिख के समझा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज़ मत होइए, मैंने एक स्टेप में लिख के दिखा दिया है। ये आप चाहो तो ये हर स्टेप में लिख सकते हो कि डिवाइज़र क्या है और यहाँ पर डिवाइडेंट क्या है। ओके, वी कंसीडर न्यू डिवाइज़र 48 एंड न्यू रिमाइंडर 16। ओके, देखिए बच्चों आगे क्या है, हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले हमने क्या किया था, जो हमारा इसके पहले वाले में जैसे प्रोसीजर हम करते चल रहे हैं, देखिए रिमाइंडर जो था और ये, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या है, वी कंसीडर न्यू डिवाइज़र है 64। अब आगे जो आपका नया डिवाइज़र होगा वो क्या होगा 64, और नया जो आपका डिवाइडेंट होगा वो होगा 48 जो पहले वाले का रिमाइंडर है। ठीक है, ये हो गया है। अब 48 में से 64 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये ए वन टाइम्स में जाएगा तो मिलेगा बच्चों 16। ओके, तो देखिए इसमें एक चीज़ समझिएगा कि जो मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आप चाहो तो ये चीज़ें लिख सकते हो खुद से हर स्टेप में। ओके, या तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो डिवाइडेंट क्या है, या नाउ करके डिवाइडेंट क्या है या डिवाइज़र क्या है आपका, इस तरीके से करके। ठीक है, देखिए आगे क्या है स्टेप, इसमें आप देखते हो कि 16 भी आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर अभी भी आपको 0 नहीं मिला है। तो क्या करोगे आप, अगेन आप अब क्या करोगे, अप्लाई करोगे यूक्लिड लेमा का, क्या है b इज़ इक्वल टू ए क्यू थ्री प्लस आर थीन। ओके, तो क्या है a, क्या है बच्चों 64, ये देखिए
सॉरी बी क्या है 64, ए है आपका 48, रिमाइंडर जो मिला है वो 1 है और ये है आपका 16 R3। ओके ये हो गया। नाउ फर्दर आप क्या करोगे, अब हमें 0 तो मिला नहीं है तो हमें इस स्टेप को कंटिन्यू करना है ना, तो क्या करो आप देखिए 16 जो है जो पहले वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो यहाँ डिवाइडेंट है। ये बच्चों बार बार एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप इन्हें समझ सकते हो ठीक है। और जो पहले वाले स्टेप में डिवाइडेंट था वो यहाँ पे डिवाइज़र है। अब क्या होगा 16 3 टाइम्स में जाएगा, 16 3 = 48, 0 मिल गया। फाइनली इस स्टेज पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है ठीक है। तो HCF आपका क्या होगा देखिए, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज़ 0। ओके सो द HCF ऑफ 245 एंड 1029 इज 16। अब देखिए बच्चों आप सोचोगे कि यहाँ हमने 245 और 1029 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। बट देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था इसको चेक करने का तरीका, ठीक है तो आप इसको चेक करके देख लो 16 से डिवाइड करके। इसको नहीं चेक करोगे, लिखोगे तो आप इसको लास्ट में, लेकिन चेक किसे करोगे, जो आपका ये नंबर था 240 और 1024 को, 240 को 16 से डिवाइड कर लो, 1024 को 16 से डिवाइड कर लो। ये रफली करना है आपको, नोट नहीं करना है क्वेश्चन के साथ ओके। ये केवल मैंने समझाने के लिए बता रही हैं आपको ठीक है। देखिए डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 4 = 16, 4 6 = 24 0, 4 1 = 4, 4 5 = 20 ओके। नेक्स्ट देखिए 4 4 = 16, 4 2 = 8, 4 2 = 8 ठीक है। देखिए दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 16 से, तो इसका मतलब हमने HCF अपना सही फाइंड आउट किया है क्योंकि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा होता कि एक डिवाइड होता एक नहीं होता, दैट मीन्स हमारा HCF गलत है ओके। तो बच्चों ये हो गया आपका एक 8th क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था क्योंकि इसमें रिमाइंडर दे दिया था। अभी तक आपने क्या किया था, रिमाइंडर खुद से फाइंड आउट किया था, लेकिन अब क्या था इस वाले में रिमाइंडर आपको गिवन था एक ओके। इस तरीके से आगे और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उन्हें आप ईजिली कर सकते हो ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में दे रही हूँ, इन्हें आप करिएगा ज़रूर। देखिए एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 ओके। क्या है क्वेश्चन, मैं रीड कर दे रही हूँ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 24 एज अ क्वोशेंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर ओके। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है ओके। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं बच्चों, आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के ओके। हैव अ नाइस डे क्लास।